हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 42वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान ने पिछले श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा की। अब भगवान अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासनात्मनः चित्वैनम संशयम योगमा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने अर्जुन को कर्म योग में स्थित होने के लिए उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में वर्णित कर्म योग में स्थित मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें वैसा ही बनना चाहिए। भगवान अर्जुन को भारत संबोधन से संबोधित करके भगवान राजर्षि भरत का चरित्र याद दिलाते हुए यह भाव दिखलाते हैं कि राजर्षि भरत बड़े भारी कर्मठ, साधन परायण, उत्साही पुरुष थे। तुम भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें भी उन्हीं की भांति वीरता, धीरता और गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए। तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन कर। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस संशय का कारण अविवेक है, अतः विवेक द्वारा अविवेक का नाश होते ही उसके साथ साथ संशय का भी नाश हो जाता है। यानी कि जब हमारा ज्ञान जागृत हो जाता है तो हमारे मन की सभी शंकाओं का भी समाधान हो जाता है। हृदय संविशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसका स्थान हृदय यानी कि अंतःकरण है, अतः जिसका अंतःकरण अपने वश में है उसके लिए इसका नाश करना सहज है। अब मन में यह प्रश्न आता है कि अर्जुन को संशय का छेदन करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? क्या अर्जुन के अंतःकरण में भी ऐसा संशय था? पहले युद्ध को उचित समझकर ही अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होकर रणभूमि में आए थे और उन्होंने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा करने के लिए कहा था। फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने बंधु बांधवों को मरने के लिए तैयार देखा तो मोह के कारण वे चिंतामग्न हो गए और युद्ध को पाप कर्म समझने लगे। इस पर भगवान के द्वारा युद्ध करने के लिए कहे जाने पर वे अपना कर्तव्य निश्चय न कर सके और किम कर्तव्य विमूढ़ यानी कि धर्म संकट में फंसकर कहने लगे कि मैं गुरुजनों के साथ कैसे युद्ध कर सकूंगा, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है और इस युद्ध में किसकी विजय होगी इसका कुछ भी पता नहीं है, तथा मेरे लिए जो कल्याण का साधन हो वही आप मुझे बतलाइए। मेरा चित्त मोहित हो रहा है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन के अंतःकरण में भी संशय विद्यमान था। उनकी विवेक शक्ति मोह के कारण कुछ दबी हुई थी, इसी से वे अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसके सिवा आगे छठे अध्याय में भी अर्जुन ने कहा है कि मेरे संशय का छेदन करने में आप ही समर्थ हैं, और गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने कहा कि अब मैं संदेह रहित हो गया हूँ। एवं भगवान ने भी जगह जगह अर्जुन से यही कहा है कि मैं जो कुछ भी तुमसे कहता हूँ उसमें संशय नहीं है, इसमें तुम शंका ना करो। इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि अर्जुन के अंतःकरण में संशय विद्यमान था और उसी के कारण वे अपने स्वधर्म रूप युद्ध का त्याग करने के लिए भी तैयार हो गए थे। इसलिए भगवान यहाँ उनके हृदय में स्थित संशय का छेदन करने के लिए कहकर यही भाव दिखलाते हैं कि मैं जो तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ उसमें किसी प्रकार की शंका ना करके उसका पालन करने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ अर्जुन को अपने आत्मा का संशय छेदन करने के लिए कहकर भगवान ने यही भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः तुम्हें उचित यह है कि दूसरों के अंतःकरण में भी यदि कोई शंका हो तो उनको समझाकर उसका छेदन कर डालो, पर ऐसा ना कर सको तो तुम्हें कम से कम अपने संशय का छेदन तो कर ही डालना चाहिए। योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इससे भगवान ने अध्याय का उपसंहार करते हुए यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ तुम्हारे हित के लिए ही कहता हूँ।
अतः उसमें शंका रहित होकर तुम मेरे कहे अनुसार कर्म योग में स्थित होकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। ओम तत्सत् श्रीमद् भगवद् गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम तत्सत् जय श्री राधे।